हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप सब सेट का एग्जाम देके घर पे आ चुके हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि आपने जो पेपर दिया है क्या वो आपको सेट क्वालिफाइंग कराएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाएगा। तो रियली जो हमने पेपर को देखा और ऐसा फील किया कि ये पेपर आपको सेट क्वालिफाइंग कराने के लिए पूरा पूरा हेल्प करेगा। पेपर का लेवल बहुत साधारण था, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई घुमाव नहीं दिया गया, सीधे क्वेश्चंस पूछे गए। जिन बच्चों ने मेरे वीडियो को फॉलो किया, जिन बच्चों ने अपने सिलेबस के हर एक बिंदु को टच कर लिया, वो डेफिनेटली सेट क्वालिफाइंग होगा। अब कुछ ही देर के अंदर हम अपने इस पेपर का पूरा विश्लेषण आपके सामने लेकर आएंगे, बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर सही है, उससे आप अपना निर्णय ले पाएंगे कि आप इस सेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो नेट का एग्जाम है या नेट का जो पेपर आता है उसके मुकाबले ये जो पेपर है वो साधारण पेपर था, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए। और जिन बच्चों ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके जो ऑप्शंस पढ़ लिए उससे उनको क्लिक हो गया कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो मेरा मानना है कि जिन बच्चों ने थोड़ी भी मेहनत की वो 100% सेट क्वालिफाई करेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। थैंक यू सो मच। अब हम लेके आएंगे कुछ ही देर में इस पूरे पेपर का विश्लेषण, जिसमें हम बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर चाहिए, जिससे आप ये निर्धारित कर पाएंगे क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ, क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बन रहा हूँ। तो इस वीडियो का इंतजार करिए, मैं बहुत ही जल्द इस पेपर का विश्लेषण लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।